उधर दौसा लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी सांसद जसकौर मीणा ने आरक्षण पर दिए बयान पर यू टर्न ले लिया। उन्होंने कहा कि आरक्षण को लेकर दिए गए उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। सांसद जसकौर मीणा ने कहा कि वे लोग कौन होते हैं जो मुझसे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। दरअसल बीजेपी सांसद जसकौर मीणा ने अपने बयान में कहा था कि सक्षम लोगों को आरक्षण छोड़ना चाहिए, जिसके बाद बवाल खड़ा हो गया। किरोड़ी लाल मीणा ने जसकौर के बयान पर कहा था कि अगर जसकौर मीणा सक्षम है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। भाजपा और कांग्रेस के एसटी नेता सांसद जसकौर के बयान पर तल्ख टिप्पणी कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद जसकौर मीणा से लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफे की भी मांग की जा रही है। जो तोड़ मरोड़ कर पेश करने वाले नेता वहां लोकसभा में एक शब्द भी बोला हो आरक्षण के पक्ष में, तो मैं बताऊं, और मैंने खुद ने इसी लोकसभा में, ये 17वीं लोकसभा में, आप सब ने मुझे मौका दिया, वहां भेजा, तो मैंने वहाँ बात की। और मैं ये भी कहूँ कि मोदी जी ही एक ऐसे थे जो 10% आरक्षण सवर्ण जातियों में पिछड़े भाई बहनों को भी दिया, तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास लेकर जिस तरह से हमारी सरकार चल रही है, यही भावना मैंने उस दिन प्रदर्शित की। देखो, मैं ईमानदारी की बात करता हूँ, शुरुआत सबसे मेरे ऊपर से करनी चाहिए। मैं सक्षम होकर के यदि मैं छोड़ने की बात करता हूँ तो सबसे पहले सांसद महोदय को, क्योंकि वो एसटी सीट से एमपी है, सबसे पहले इस्तीफा देना चाहिए। दूसरा, मैं एक निवेदन और कर दूँ, वैसे तो सांसद महोदय बहुत बुद्धिजीवी बनती है, हमारे बारे में तो ये सोचती है कि भाई ये तो कुछ समझता ही नहीं है, नया लड़का नहीं, मैं 62 साल का हूँ। एसटी का आरक्षण का आर्थिक संपन्नता से कोई मतलब नहीं होता है, एसटी का आरक्षण के पैरामीटर्स अलग होते हैं। ये सांसद महोदय को 5-6 पैरामीटर है भारतीय संविधान के अंदर जिसके तहत एसटी को आरक्षण मिलता है। उधर राज्य निर्वाचन